यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। मिर्जापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के चौड़ीकरण के लिए हो रही भूमि अधिग्रहण को लेकर के किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। फोर लेन बनने वाले इस सड़क के लिए जो जमीन का अधिग्रहण के नाम पर दिए जा रहे मुआवजे को लेकर के किसान आक्रोशित है। मुआवजे के सही वितरण की मांग को लेकर के आज किसानों ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। जिस समय किसानों ने केंद्रीय मंत्री का घेराव किया उस समय मंत्री जनता दरबार में बैठकर लोगों की समस्या सुन रही थी। कार्यालय के बाहर नारेबाजी सुन केंद्रीय मंत्री बाहर निकले और किसानों से मिलकर उनकी समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। वहीं किसानों को कहना है कि अगर मुआवजे को लेकर के कोई समाधान नहीं निकलता है तो वे आंदोलन करेंगे। किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में फोर्स तैनात रही। तो फोर लेन बनाने की वजह से किसान लगातार परेशान है क्योंकि जमीन अधिग्रहण का ये मामला है और ऐसे में जो मुआवजा इन्हें मिल रहा है वो इन्हें लगता है कि उचित मुआवजा नहीं है और इसको लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। NH-7 के चौड़ीकरण को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। केंद्रीय मंत्री के कार्यालय का घेराव किया गया। इस बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मीटिंग ले रही थी तो यहाँ पर शोर सुनकर के केंद्रीय मंत्री बाहर आई और इसके बाद आपको बता दें कि आश्वासन दिया गया कि उनकी जो मांगे हैं वो मानी जाएंगी। तो किसानों ने केंद्रीय मंत्री के कार्यालय का घेराव किया। मिर्जापुर से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर NH-7 के चौड़ीकरण को लेकर के किसानों ने प्रदर्शन किया है।